गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनय पांडे। खबरों के विस्तार में जाएंगे और पूरे शहर का हाल बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। रंगारंग कार्यक्रम के साथ ऑल इंडिया प्राइज मनी फुटबॉल टूर्नामेंट का हुआ समापन। जालंधर ने केरला को फाइनल में 9-8 से दी शिकस्त। अधिवक्ताओं ने किया सदर तहसील में प्रदर्शन। लेखपाल द्वारा की गई अधिवक्ताओं की पिटाई का जताया विरोध। कोर्ट में खाज का काम किया लेखपाल और कलेक्ट्री अधिवक्ता के बीच का विवाद। बिजली मूल्य के विरोध में आम आदमी पार्टी ने शास्त्री चौक पर किया प्रदर्शन। 7वें वेतनमान लागू किए जाने की मांग को लेकर परिवहन विभाग के कर्मचारियों ने दिया धरना। सेंट एंड्रयूज कॉलेज में आयोजित हुई क्रिसमस डे महोत्सव। जिलाधिकारी राजीव रौतेला ने कैंपियरगंज तहसील की अव्यवस्थाओं को देखकर जताई नाराजगी, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। गोरखपुर विश्वविद्यालय की छात्राओं ने लगाया मनमोहक हस्तशिल्प। नूतन वर्ष बधाई पत्र प्रदर्शनी। शासन के आश्वासन के बाद 2 माह से चल रहे आंगनबाड़ियों का धरना हुआ स्थगित। मांग पूरी नहीं होने पर 9 जनवरी से पुनः जारी होगा आंदोलन। और त्योहारों और परीक्षाओं के मद्देनजर 4 फरवरी तक सभी थाना क्षेत्रों में धारा 144 लागू। अब खबरें विस्तार से। ऑल इंडिया प्राइज मनी फुटबॉल टूर्नामेंट के अंतिम दिन शुक्रवार को फाइनल मैच सीआरपीएफ जालंधर और केरला की टीम के बीच खेला गया। खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित इस टूर्नामेंट में बतौर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश खेल निदेशक आरपी सिंह सहित क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी अमरेंदु पांडे के अलावा भारी संख्या में इस मैच को देखने के लिए खेल प्रेमी रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम के ग्राउंड पर मौजूद रहे। इस फाइनल मैच के निर्धारित समय में जब दोनों टीमें बराबरी पर रहीं और फैसला नहीं हो पाया तो पेनाल्टी शूट आउट का सहारा लिया गया, जिसके बाद फिर सडन डेथ में जालंधर 9-8 से केरल को पराजित कर दिया। इसी दौरान फर्स्ट हाफ के बाद मध्यान्ह में रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम और वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज की खिलाड़ियों द्वारा संगीत की धुन पर जिमनास्टिक किया गया, जिसे देख खेल प्रेमी गदगद हो गए। Come on.
शुक्रवार को सदर तहसील में लेखपाल ने एक वकील की पिटाई कर दी। वकील की पिटाई की सूचना पर भारी संख्या में अधिवक्ता सदर तहसील पहुंच गए और वहां हंगामा करने लगे। अधिवक्ताओं ने लेखपाल संघ के खिलाफ नारेबाजियां भी की। घटना की जानकारी होने पर मुकामी पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और अधिवक्ताओं को समझा बुझाकर शांत कराया। अधिवक्ताओं ने लेखपाल के इस कृत्य की निंदा करते हुए आरोपी लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई की जाने की मांग की है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद।
आज जिस तरह की घटना घटित हुई है, एक हमारे अधिवक्ता बंधु किसी अपने मौकिल के काम से गए हैं लेखपाल के पास, और लेखपाल ने सारी मर्यादाओं को तोड़ते हुए, सारे शिष्टाचार को तोड़ते हुए, सर्विस रूल का उल्लंघन करते हुए हमारे अधिवक्ता महोदय के ऊपर जो है कमरा बंद करके और मारपीट शुरू कर दिया, प्राणघातक हमला किया। वो तो भीड़ पहुंची है, किसी तरह से उनकी जान बची, और ये टोटल भ्रष्टाचार का मामला है। प्रशासनिक तंत्र इतना निरंकुश और भ्रष्ट हो चुका है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, ये दशा है। नहीं, लेखपाल का नाम नहीं, मैं लेखपाल के नाम से अभी अवगत नहीं हूँ। मनीष यादव एडवोकेट थे जिनके साथ यह घटना घटी है। क्या नाम है? मनीष यादव। मैं अमिताभ त्रिपाठी, पूर्व महामंत्री, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन। अपर नगर आयुक्त कार्यालय में कुछ लोगों द्वारा एक वकील के साथ विवाद का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि शुक्रवार को एक लेखपाल द्वारा कलेक्ट्रेट कचहरी के एक अन्य अधिवक्ता के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया। यह आरोप इतना गंभीर हो गया कि इसको लेकर सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन और कलेक्ट्रेट अधिवक्ता संघ की एक आपात बैठक कलेक्ट्री अधिवक्ता सभागार में आयोजित की गई। बैठक में सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अभिमन्यु पांडे, कलेक्ट्री अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष कृष्ण कुमार त्रिपाठी, महामंत्री रविंद्र कुमार श्रीवास्तव सहित कई अधिवक्ता मौजूद रहे। बैठक में पदाधिकारियों ने लेखपाल के खिलाफ कैंट थाने में तहरीर देने की रणनीति बनाई, जिसके बाद अधिवक्ताओं ने डीएम से मुलाकात कर उन्हें मांग संबंधी ज्ञापन सौंपा। अधिवक्ताओं ने ज्ञापन के माध्यम से आरोपी लेखपाल पर मुकदमा दर्ज कर उसके गिरफ्तारी की मांग की है। आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह के आह्वान पर बिजली मूल्य वृद्धि के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पिछले 3 दिनों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के महानगर संयोजक शशि बाला द्विवेदी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने शास्त्री चौक पर थाली बजाकर बिजली मूल्य वृद्धि का विरोध किया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि चुनाव के समय सरकार ने लोगों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन दिया और चुनाव बाद बिजली दामों में वृद्धि कर लोगों की भावना के साथ खिलवाड़ किया है। प्रदर्शन के माध्यम से उन्होंने बिजली मूल्य वृद्धि वापस लिए जाने की मांग की। गुरुपुर न्यूज से बात करते हुए आम आदमी पार्टी के महानगर संयोजक शशि बाला द्विवेदी ने बताया, प्रदर्शन चल रहा है, ये प्रदर्शन जो आज हम कर रहे हैं, यह जो बिजली का मूल्य वृद्धि बढ़ा हुआ है, इससे जनता त्रस्त है। आज हमारी महिलाएं प्रदर्शन करने पे मजबूर हो गई हैं, क्योंकि एकाएक इतना ज़्यादा बिजली का मूल्य वृद्धि हुआ है जिसमें जनता देने में असमर्थ है। बिजली का बिल पहले से बहुत ज़्यादा आता था, आज के डेट में दूना कर दिया गया है। तो हमारी महिलाएँ कह रही हैं कि हम बाध्य होंगे, उत्तर प्रदेश सरकार से हम मांग करते हैं कि जो मूल वृद्धि बढ़ाई गई है इसको वापस लिया जाए, नहीं तो हम धरना देने पे बाध्य होंगे। इसका मैंने हम लोग बैठ करके धरना प्रदर्शन करेंगे आने वाले समय में, क्योंकि आज हम घर घर काम करके जो 2000 रुपया लाते हैं, तो अभी हमको बिजली का बिल भुगतान करने में दिक्कत होती थी, और अपने बच्चों को 2 रोटी निवाला खिलाते थे उसमें दिक्कत होती थी, किसी तरह से गुजारा। आज एकाएक इतना मूल्य वृद्धि बढ़ गई है कि घर की रोशनी के चक्कर में हमें ये डर है कि कहीं हम अपने बच्चों को भोजन न करा सकें और हमारे घर का चिराग बुझ जाए। इस रोशनी से बेटर है कि मतलब हम घर का चिराग बचाने के लिए बिजली बिल बिजली ही कटवा दें, क्योंकि एक बार तो बिजली जो है फ्री लगवाने के लिए कैंप लगवा करके सरकार घर घर में बिजली उपलब्ध तो की, लेकिन चुनाव जीतने के साथ ही इतना ज्यादा बिजली का मूल्य वृद्धि बढ़ा दिया कि हम लोग इस समय खाने के लाले पड़े हैं, मजबूर हैं बिजली का बिल भुगतान करने में, और हमारे घर का चिराग बुझने ना पाए, इसलिए हम लोग मजबूर हैं धरना प्रदर्शन के लिए। मूल्य वृद्धि बढ़ाई गई है, इसको तत्काल वापस लिया जाए। 7वें वेतन आयोग लागू किए जाने सहित कुल 17 सूत्री मांगों को लेकर सेंट्रल रीजनल वर्कशॉप कर्मचारी संघ के सदस्यों ने शुक्रवार को सिविल लाइन स्थित
क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय के बाहर धरना दिया। इस दौरान परिवहन कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजियां भी की और मांग संबंधित ज्ञापन उत्तर प्रदेश परिवहन निगम मुख्यालय को प्रेषित किया। इस अवसर पर संघ के प्रदेश अध्यक्ष त्रिलोकी व्यास, प्रदेश महामंत्री जसवंत सिंह, क्षेत्रीय अध्यक्ष रघुनाथ सिंह, क्षेत्रीय मंत्री नूरुल अहसन अंसारी सहित पदाधिकारी और सदस्यगण मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए क्षेत्रीय अध्यक्ष ने कहा कि लगभग सभी विभाग के कर्मचारियों को सातवें वेतन का लाभ मिल चुका है, लेकिन परिवहन विभाग के कर्मचारी अब तक इस लाभ से वंचित हैं। इस कारण संघ आंदोलन की राह पर चलने के लिए मजबूर है। उन्होंने कहा कि उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वह अगले साल 7 जनवरी को परिवहन मुख्यालय लखनऊ का घेराव करेंगे। कर्मचारी सर जिंदाबाद, जिंदाबाद सेंट्रल जनरल साहब, कर्मचारी सर जिंदाबाद, जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद स्वर्ण सिंह संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, करुणा सिंह संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद सेंट्रल जनरल साहब जुल्म के टंकर पर हमारा नारा आवाज दो। तो आज कैसा आप लोगों का विरोध प्रदर्शन? मुख्यालय लेवल पर हमने ज्ञापन दिया था जून 2017 में हमारे प्रांतीय संगठन ने, लेकिन आज तक उस पर वार्ता हो गई थी लेकिन उसका क्रियान्वयन नहीं हुआ। सातवां वेतन आयोग की रिपोर्ट मिल चुकी है लेकिन उत्तर परिवहन निगम में लागू नहीं किया गया, इसलिए हम पूरे प्रदेश में सभी क्षेत्रीय कार्यालयों पर धरना एवं प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहते हैं कि आप हमें सातवां वेतन आयोग की जब तक सिफारिश को मान के मुझे भुगतान के लिए नहीं कर दोगे तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं। कब तक जारी रहेगा? हम लगातार अलग अलग कार्यक्रमों के धरने का अलग अलग कार्यक्रम चलेगा, अभी यहाँ हो रहा फिर मुख्यालय पर होगा। चूँकि हमको जो महंगाई है प्रदेश सरकार के अन्य कर्मियों को महंगाई मिल रही है, लेकिन चूंकि महंगाई भी मुझे नहीं मिल रही है, चूंकि वेतन आयोग ने लिया महंगाई, इस महंगाई के युग में मेरे कर्मचारी परेशान है, इसलिए हम संघर्ष के मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं। जिलाधिकारी राजीव रौतेला ने कंपियरगंज तहसील की अव्यवस्थाओं पर रोष प्रकट किया है और नवागत SDM को निर्देशित किया है कि इसमें सुधार कराएं। तहसील निरीक्षण के दौरान उन्होंने कई पटलों और पत्रावली आधी अधूरी पाया। कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका एवं GPF पासबुक पिछले कई वर्षों से अधूरी मिली, यहाँ तक कि धन की उपलब्धता के बावजूद भी तहसील के रख रखाव और रंगाई पुताई पर भी कोई खर्च नहीं किया गया है। इस स्थिति पर उन्होंने असंतोष व्यक्त करते हुए तहसीलदार एवं पूर्व उप जिलाधिकारी की कार्य प्रणाली पर नाराजगी व्यक्त किया। उन्होंने निर्देश दिया कि तहसील में उपलब्ध 1,00,000 रुपये से इसकी मरम्मत कराएं और रंगाई पुताई करा लें, इसके अलावा अन्य अनुरक्षण कार्य हेतु धन की मांग कर लें। धन व्यय न करने पर उन्होंने नायब नाजिर योगेंद्र का स्पष्टीकरण तलब किया है। उन्होंने निर्देश दिया है कि तहसील के आवासीय परिसर हेतु 2 एकड़ भूमि चिन्हित करा के अवगत कराएं। तहसील में कार्यरत SDM और तहसीलदार तथा अन्य अधिकारी कर्मचारी के आवास बनाए जाएंगे। 25 दिसंबर यानी क्रिसमस डे, जिसकी तैयारी महानगर के लगभग सभी चर्चों में जोरों से चल रही है। क्रिसमस डे के अवसर पर कई स्थल पर विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा रहा है। इस मौके पर सेंट एंड्रयूज कॉलेज में क्रिसमस डे महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान कॉलेज के छात्र छात्राओं ने प्रभु ईसा की प्रार्थना के साथ प्रभु ईसा पर आधारित प्रेम संदेश नाटक का मंचन किया। इसके बाद उपस्थित लोगों ने केक काटकर एक दूसरे को बधाइयां दी। इस अवसर पर बशारतपुर चर्च के फादर संजय विंगसन, प्रोफेसर SDon, डॉक्टर JK लाल, निशा दौन, अनीता दौन सहित कई अन्य मौजूद रहे। We'll be right back.
उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। ये क्यों कर होगा? मैं तो पुरुष को जानती नहीं। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होगा, पापों से हार करेगा। यह सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था वह पूरा हो, कि देखो एक तुम्हारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगा और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। सो यूसुफ नींद से जागा, प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया और जब तक वो पुत्र ना मिले तब कितने गरीब थे जो रात को मैदान में रहकर झुंड का पहरा देते थे और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब सब दूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के ललित कला एवं संगीत विभाग की छात्राओं द्वारा शुक्रवार को हस्तशिल्प नूतन वर्ष बधाई पत्र प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी का उद्घाटन भूगोल विभाग के प्रोफेसर एस के दीक्षित द्वारा किया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के मुख्य नियंता गोपाल प्रसाद, प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह, प्रोफेसर रविशंकर सिंह, डॉक्टर उषा सिंह सहित कई शिक्षक एवं छात्र छात्राएं मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ललित कला एवं संगीत विभाग की छात्रा ऐश्वर्या त्रिपाठी ने बताया कि आज के आधुनिक युग में पुरानी चीजें लुप्त होती जा रही हैं। इस दौर में ज़्यादातर लोग व्हाट्सएप के माध्यम से एक दूसरे को नए वर्ष की बधाइयां दे रहे हैं, इसलिए यहां पर छात्राओं ने कम दर पर मनमोहक हस्तशिल्प कार्ड बनाया है जिससे लोग एक बार फिर हस्तशिल्प कार्ड की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। खरीदते हुए कुल पेपर आज चाय खरीदो ना, कल सारे सारा पेपर मंगाएंगे कितना लगता है नहीं कि ग्रीटिंग अरे तुम इधर Thank you.
द्वारा प्रदर्शनी लगाया गया यहाँ पे। हम लोग ग्रीटिंग कार्ड का एग्जीबिशन लगाए हैं और न्यू ईयर के लिए और जो क्रिसमस आने वाला है उसके लिए बच्चों को हैंडमेड कार्ड के लिए। ये हम लोग यहाँ के यूनिवर्सिटी में DDU के छात्रा हैं ललित कला विभाग की और यहाँ पे हम लोग को ग्रीटिंग कार्ड की प्रदर्शनी लगाई गई है। तो जो क्रिसमस आने वाला है या न्यू ईयर आने वाला है उसके लिए हम लोग ये बनाए हैं, जो हैंडमेड कार्ड अपने हाथों से बनाया हुआ है और मतलब मतलब सही दाम में है ताकि कोई भी बच्चे आके ले सकें और मतलब अपने दोस्त को दे सकें, क्योंकि आजकल SMS के थ्रू इतना वो हो गया है कि किसी को हाथ से बना हुआ कार्ड नहीं देते हैं, लोग SMS के द्वारा देते हैं। तो ये कार्ड इसलिए बनाया गया ताकि आप लोग डायरेक्ट हाथ से अपने हाथ का बना हुआ दें ताकि SMS जैसा कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी ना इसमें रहे। क्या नाम है? मेरा नाम ऐश्वर्या त्रिपाठी है। मानदेय बढ़ाए जाने की मांग को लेकर पिछले 60 दिनों से चल रहे आंगनबाड़ियों का धरना अगले वर्ष यानी 8 जनवरी 2018 तक के लिए स्थगित हो गया है। नगर निगम स्थित रानी लक्ष्मीबाई पार्क में धरने पर बैठी आंगनबाड़ी संघ की अध्यक्ष नीलम शर्मा ने बताया कि उनकी मांग को लेकर संघ के उच्च पदाधिकारी और शासन के बीच बात हो गई है, जिसमें उनसे कुछ दिनों का मोहलत मांगा गया है। उन्होंने कहा कि अगर 8 जनवरी तक उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वह पुनः 9 जनवरी से धरने पर बैठ जाएंगी। मैं गोरखपुर की जिला अध्यक्ष महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ से नीला शर्मा। ये हमारा आज 60 दिन हो गया धरना चलते हुए। हम लोग अपनी मांगों को लेके सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारा मानदेय बढ़ा दिया जाए। इसी को लेकर 60 दिन हम लोग बैठे हुए हैं और हमारे जो प्रदेश नेतृत्व गिरीश कुमार पांडे जी महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग अपना धरना कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से लड़कियों को प्रदेश में बैठा के धरना किया है और कल हमारा धरना स्थगित किया गया क्योंकि हाईकोर्ट लखनऊ का जो खंडपीठ है उसमें जन याचिका रिट दाखिल की गई है जिसमें विधायकों ने सांसदों ने अपना बयान भी दिया है और हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी ने भी बयान दिया है। इसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे इन मांगों पे कार्रवाई के लिए हम लोगों ने 15 दिन का समय लिया है। जब हाईकोर्ट हमारा खुलेगा तो हमारी सुनवाई की जाएगी। इसके लिए हम लोग आज धरना स्थगित कर रहे हैं और आगामी 8 जनवरी 2018 को अगर हमारी सुनवाई हो जाती है तब तो हम धरने पर नहीं बैठेंगे, अगर नहीं होती है तो पुनः हम लोग 9 जनवरी 2018 को इसी तरह पूरे प्रदेश में ये विश्वव्यापी धरना लेके बैठ जाएंगे अपनी मांगों के लिए। न्यूनतम मजदूरी को देखते हुए हमारी मांग है कि हमें हमारे योगी जी हम लोगों को कम से कम 300 रुपया पर प्रतिदिन के हिसाब से एक न्यूनतम मजदूरी हम लोगों को दे दें। हमारी यही उनसे मांग है क्योंकि इस महंगाई में हम लोग 4000 में अपने परिवार का गुजारा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि काम तो जो भी काम ये लोग देते हैं हम लोग करते हैं, जितना भी सरकारी काम है सारा हम लोगों के ऊपर थोप दिया जाता है, चाहे वो टीकाकरण हो, चाहे वो पोलियो हो, चाहे वो ये जनगणना हो, आर्थिक गणना हो, BLO की ड्यूटी हो, मेरे जितने भी काम हैं सारे काम हम लोगों से करवा जाते हैं और मिलता क्या, मात्र 4000 रुपये। तो आप ही बताइए इस 4000 रुपये में हम अपने परिवार को कैसे चला सकते हैं। तो उम्मीद नहीं जगी है लेकिन कुछ आशा जग रही है कि जब ये हमारे रिट दाखिल हो गई है और इसके लिए हमें जो समय मिल गया है कि 15 दिन हम लोग अपना धरना इसीलिए स्थगित कर रहे हैं एक आश्वासन के साथ कि आपकी 8 तक इस पर सुनवाई कर ली जाएगी, अगर सुनवाई नहीं होती है तो फिर ये हमारा संघर्ष पूरे प्रदेश में गूंज उठेगा। अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन ने क्रिसमस डे, बसंत पंचमी, मकर संक्रांति और मुख्य पर्व एवं विभिन्न परीक्षाओं के दृष्टिगत जनपद के महानगर परिक्षेत्र को छोड़कर सभी थाना क्षेत्रों में 4 फरवरी 2018 तक धारा 144 लागू कर दिया है। आइए जल्दी जल्दी नजर डाल लेते हैं प्रमुख हेडलाइंस पर। रंगारंग कार्यक्रम के साथ ऑल इंडिया प्राइज मनी फुटबॉल टूर्नामेंट का हुआ समापन। जालंधर ने केरला को फाइनल में 9-8 से दी शिकस्त। अधिवक्ताओं ने किया सदर तहसील में प्रदर्शन। लेखपाल द्वारा की गई अधिवक्ताओं की पिटाई का जताया विरोध। कोर्ट में खाज का काम किया लेखपाल और कलेक्ट्री अधिवक्ता के बीच का विवाद।
बिजली मूल्य के विरोध में आम आदमी पार्टी ने शास्त्री चौक पर किया प्रदर्शन। सातवें वेतनमान लागू किए जाने की मांग को लेकर परिवहन विभाग के कर्मचारियों ने दिया धरना। सेंट एंड्रयूज कॉलेज में आयोजित हुई क्रिसमस डे महोत्सव। जिलाधिकारी राजीव रौतेला ने कैंपियरगंज तहसील की अव्यवस्थाओं को देखकर जताई नाराजगी, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। गोरखपुर विश्वविद्यालय की छात्राओं ने लगाया मनमोहक हस्तशिल्प नूतन वर्ष बधाई पत्र प्रदर्शनी। शासन के आश्वासन के बाद दो माह से चल रहे आंगनबाड़ियों का धरना हुआ स्थगित। मांग पूरी नहीं होने पर 9 जनवरी से पुनः जारी होगा आंदोलन। और त्योहारों और परीक्षाओं के मद्देनजर 4 फरवरी तक सभी थाना क्षेत्रों में धारा 144 लागू। इस बुलेटिन में हमें इजाजत दीजिए, आज के लिए बस इतना ही, और देखते रहिए गोरखपुर न्यूज़, न्यूज़ बिफोर हेडलाइंस। नमस्कार।